आंखों से आंसू निकलने को तैयार है। बहुत ज़्यादा दुख है मुझे कि हमारे समाज के लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। एक थोड़ा सा पैर लगने की वजह से उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा। मैंने उसकी वीडियो देखी, वायरल वीडियो, तो मेरी रूहें कांप पड़ी। ईंट पत्थरों से उसको मारा, इंसानियत नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। तो ये लगता है कि हमारा जो समाज है, बहुजन समाज, एकजुट अगर नहीं हुआ अभी भी, तो आज दिलीप सरोज को मारा है, कल आपको भी मारा जा सकता है, मुझे भी मारा जा सकता है। और तमाम बहुजन समाज के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी, इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इस भारत के अंदर ये साजिश हो रही है। जगह जगह हर स्टेट में ये मामले सामने आते रहे हैं, जैसे कि ऊना में हमारे दलित भाइयों को मारा गया, रोहित वेमुला को मारा गया, बहुत लोग ऐसे ही मारे जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट रहोगे तो शेर की तरह दहाड़ोगे, कोई तुम पर वार नहीं करेगा, और अगर बिखरे रहोगे तो गीदड़ की तरह रहोगे और कोई भी तुमको इसी तरह मारता रहेगा। तो यही कहना है कि एकजुट हो जाओ और इस बीजेपी सरकार को, इस मनुवादी सरकार को कान पे चांटा मारो, मुंह तोड़ जवाब दो।